शाहपुर थाना क्षेत्र के एचएन सिंह चौराहा निवासी रणधीर सिंह ने रविवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित उनकी भूमि न्यायालय के आदेशों को देखते हुए विधिक रूप से भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा व पारदर्शिता का अधिकार सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रार्थी को भूमि अधिग्रहित कर उसका उचित प्रतिकर निर्धारित कर भुगतान करके उसकी जमीन की आवश्यकता हो तो लेकर विकास कार्य करे, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। जबकि प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार रणधीर सिंह जिस जमीन पर मुआवजे का दावा कर रहे हैं उस पर एक अन्य व्यक्ति भी मुआवजे का दावा कर रहा है। फिलहाल मुआवजे की धनराशि के भुगतान को एसएलओ ऑफिस में पत्र भेजकर उचित मुआवजा एसएलओ ऑफिस में जमा किया जा चुका है। जब सक्षम न्यायालय द्वारा जिसके पक्ष में आदेश जारी होगा वह अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर मुआवजे का क्लेम करके धनराशि प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी विवाद का विषय नहीं है। न्यायालय की यही मंशा है कि प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए, जिसकी प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है और कई लोगों को 76,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा भी दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रणधीर सिंह ने कहा। रणधीर सिंह, एचएन सिंह चौक, बसारतपुर, गोरखपुर। सर, ये प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूँ मेडिकल असुरेंस लेके मेडिकल कॉलेज तक जो चौड़ीकरण का है उसमें एचएन सिंह चौराहे तक का 26 मीटर का सड़क निर्धारित किया गया है। सरकारी सड़क जो है 21 मीटर की है। बाकी नियम के तहत उनको जो ज़मीनें उनको विकास कार्य में लेनी है वो बिना अधिग्रहण किए ज़बरदस्ती ले रहे हैं। इसी क्रम में मैं उनके सारे नोटिसों का जवाब देते हुए माननीय सिविल जज जूनियर डिवीज़न गोरखपुर से एक वाद योजित किया 826/17 और उसमें सिविल कोर्ट ने मुझे स्थगन आदेश पारित कर दिया मेरे पक्ष में कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए इनके ज़मीन को नष्ट भ्रष्ट न किया जाए और उसमें किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी हैं प्रशासनिक अधिकारी उनके द्वारा मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाया जाने लगा। फिर इन्हीं सब बातों को लेकर मैं माननीय हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने भी माननीय सिविल जज के आदेशों को उल्लेखित करते हुए ये कहा कि जो वादी है उसके बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए उसके ज़मीन को बिना अधिग्रहण किए हुए उसके भवन को नष्ट भ्रष्ट न किया जाए और विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही उसमें नष्ट भ्रष्ट किया जाए। तो उसमें 2013 में एक अधिनियम बन के आया है भू अर्जन का। उसमें ये है कि जो भी ज़मीन चाहिए वो एक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए सेक्शन 4 की नोटिस दी जाए, सेक्शन 6 में अधिग्रहित किया जाए और मुआवजा दिया जाए, फिर उसको लिया जाए। हम विकास कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो हमें मुआवजा दे और अपना विकास कार्य करें।